दोस्तों नमस्कार। कई बार मेरे पास कुछ मरीज आते हैं जिन्हें लंबे समय से खांसी हो रही होती है और वे इधर उधर इलाज करा के इधर उधर से ऑन द काउंटर दवाई खरीद के खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही होती है। क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये है कुछ दवाइयाँ जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज लेते हैं और उसे लेने के कारण ये खांसी हो रही होती है। इस दवाई के ग्रुप का नाम है एस इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स। इसमें कुछ कॉमन दवाइयां हैं जैसे कार्डेस, एनाम, एनएस, रामकोर, रेमी हार्ट, रेमी स्टार और भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई दवाई खा रहे हैं और आपको काफ़ी दिन से हल्की फुल्की या तेज सूखी खांसी हो रही है और छूट नहीं रही है, तो शायद हो सकता है कि ये दवाइयाँ उसका एक कारण हो और इन दवाइयों को बंद करके दूसरी दवाई देने से ये खांसी तुरंत कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अगर आपको भी इस समस्या से परेशानी है और आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और अगर जानना चाहते हैं कि ये एस इनहिबिटर्स ग्रुप की है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख के बता दूंगा आप ये दवाई खा रहे हैं या नहीं। अगर खा रहे हैं और आपको खांसी हो रही है तो इधर उधर भटकने की बजाय आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और इस दवाई को बदल दीजिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इस विषय पर वीडियो बनाने का कारण ये है कि कई बार इस तरह के मरीज मेरे पास आते हैं और वो बेकार ही इधर उधर भटक रहे होते हैं और उनकी खांसी ठीक नहीं होती। तो ये छोटा सा वीडियो बनाने का इसीलिए मैंने सोचा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो आप अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।